हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लोग HTML CSS को फ्रॉम स्क्रैच से सीखेंगे। ऑलराइट, अगर मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ कि आपको कुछ भी HTML और वेब डेवलपमेंट या CSS या जावास्क्रिप्ट के बारे में पता है, तो ये सीरीज़ जो है सिर्फ HTML और CSS, ये दो कोर टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होगा। और मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में पहले एक्सपीरियंस है, तो हम फ्रॉम स्क्रैच से सीखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट टू इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक नया फोल्डर बनाया, और यहाँ पर मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल न्यू, और मैं यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो आप टेक्स्ट एडिटर मायने नहीं रखता, आप जो टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे नोट प्लस 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 या कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं फाइल इसे सेव करता हूँ। सेव करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसे .html एक्सटेंशन दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर इंडेक्स इसे नाम दे देता हूँ। तो आपने कुछ जगहों पर HTM दिया होगा, और HTM, तो HTM या HTML दोनों में से कोई भी आप एक्सटेंशन दोगे तो इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसे सेव कर देता हूँ। ग्रेट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडेक्स और HTML अभी यहाँ पर सेव है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बता चलता, HTML का स्पेसिफिक ये है कि वो एक स्ट्रक्चर है। राइट, स्ट्रक्चर इन द सेंस कि अगर आपको जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, राइट, आप एक लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर इस तरीके से आप बिल्डिंग बनाते जाते हो। राइट, एक फ्लोर, उसके ऊपर दूसरा फ्लोर, उसके ऊपर तीसरा फ्लोर। राइट, उसमें कोई कोई लॉजिक नहीं होता। राइट, एक ये है कि आपको एक बिल्डिंग बनाना है, वो एक स्ट्रक्चर। तो उसी तरीके से HTML में भी अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ पैराग्राफ है। राइट, ये चीज़ लिस्ट है, ये चीज़ फॉर्म है, वैसा। तो इस तरह के काफ़ी सारे, तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। राइट, कुछ बॉयलरप्लेट टैग्स ऐसे हैं जो हर एक वेब में यूज होंगे ही। राइट, पर कुछ ऐसे हैं जो आपके यूज़ के हिसाब से हम उसे यूज़ करेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो यूज़ करो, नहीं है तो मत करो। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें डॉक टाइप देना होगा। राइट, डॉक टाइप HTML, इसका मतलब ये है कि अगर ये डॉक टाइप आप देखोगे, इसका मतलब हम लोग HTML5 यूज़ कर रहे हैं। अगर यही डॉक टाइप अगर आप HTML5 के प्रीवियस वर्जन के बारे में देखोगे तो बहुत लंबा होता था, ये आप यूज़ करोगे तो इसका मतलब HTML5 यूज़ करो। और अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ HTML5 ही आप यूज़ करो, क्योंकि वो बैकवर्ड कंपैटिबल भी है। इसका मतलब कि अगर कोई ब्राउज़र है जो HTML5 सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसे भी वो सपोर्ट करेगा। तो कोई रीज़न नहीं है आप अगर HTML5 नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग इधर HTML टैग बनाएंगे, इसका मतलब हम लोग अभी यहाँ पर HTML पेज अभी यहाँ पर क्रिएट करें। अब उसके अंदर एक हेड टैग होगा, मैं आपको बताता हूँ आगे हेड टैग का यूज़ केसेस और क्या है। लेकिन यहाँ पर एक और है टाइटल टैग, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि अलग अलग टैग्स इधर होते हैं। अरे, टाइटल टैग में मैं बीच में आपको दे देता हूँ माय फर्स्ट वेब पेज। राइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके से दो अलग अलग टैग होते हैं। और यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ पर जो है दूसरे टैग में बिल्कुल सेम नाम होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्लैश होता है। इसका मतलब ये है कि ये एंड हो रहा है। राइट, और ये दोनों के बीच में जो यहाँ कंटेंट है, ठीक है, वो इस टैग के अंदर आना चाहिए। तो ये इसका टैग के अंदर जो कंटेंट है, इसका मतलब ये है कि ये टाइटल है। टाइटल किधर डिस्प्ले होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वो एक है बॉडी टैग। राइट, ये बॉडी टैग है। तो यहाँ पर ये 1, 2, 3 और 4, ये चार ऐसे टैग है जो हर एक वेब पेज में होगी। तो अब मैं इसको रिकमेंड करता हूँ आप सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करके रख ले कहीं पर, क्योंकि ये टैग हर एक वेब पेज में यूज़ होंगे। ऑलराइट, तो अब इसे मैं सेव करता हूँ, और मैं उस फोल्डर में जाने के बाद मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन विद गूगल क्रोम। आप देखोगे यहाँ पर कोई भी टैग दिखाई नहीं दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने कोई टैग नहीं दिया था। लेकिन अगर इधर ऊपर टैग में आप गौर करें कि यहाँ पर लिखा है माय फर्स्ट वेब पेज, तो ये वही है टेक्स्ट है जो हमने यहाँ लिखा था। राइट, अगर मैं इधर माय को हटा के सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर के मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखोगे कि वो चेंज हो गया। इसका मतलब ये टाइटल जो है यहाँ पर वेब पेज में टाइटल होता है वो है यहाँ पर स्पेसिफाई करता है। और दूसरा इस बॉडी टैग के अंदर, जिस बॉडी टैग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी टैग का मतलब ये है कि जो भी कंटेंट वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो इस बॉडी टैग के अंदर ही होगा, अरे इसके बाहर नहीं हो सकता। हेड टैग के अंदर आपने देख लिया कि टाइटल इधर होता है, उसके अलावा CSS का लिंक हम यहाँ पर देते हैं।
जो मैं आगे हम लोग देखेंगे। सीएसएस के बारे में अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने अभी देखा कि ये पांच टैग कैसे इंपॉर्टेंट है और उसके यूज़ केसेस क्या हैं। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बॉडी टैग के अंदर कौन कौन से टैग डाल सकते हैं और उसे किसे उस तरीके से कैसे यूज़ करना है, वो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।